सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग M887 से बहुत इजीली वन टैप हेडशॉट कैसे मार सकते हो, क्या गलती आप लोग करते हो जिसके चलते आप लोग वन टैप हेडशॉट नहीं मार पाते हो M887 से, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देख लेना। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप सभी लोगों को फुल डिटेल के साथ सारा कुछ बताते हैं। सबसे पहला मिस्टेक आप में से काफी सारे बंदे करते हैं, ये करते हैं कि ये जब हेडशॉट आप लोग मारने का ट्राई करते हो तो क्या करते हो, जो आपका एम होता है ये एम को आप लोग एनिमी के बॉडी को ऊपर रेड कर लेते हो, जिसके चलते यहाँ पे आपका ड्रैग वगैरह नहीं हो पाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे इस क्लिप के अंदर देख सकते हो, मैं यहाँ पे मेरा जो एम है इसको मैं वाइट रखता हूँ एंड उसके बाद से मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत इजिली मेरा वन टैप हेडशॉट लग जाता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इस गलती को आप में से काफी सारे बंदे करते हैं जिससे कि आप लोग का वन टैप हेडशॉट नहीं लगता है। तो चलो गाइस यार, मैं आप लोग को प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि इस चीज को आप लोग कैसे सुधार सकते हो। अगर आप लोग इस चीज को सुधार लोगे तो आप लोग बहुत इजीली M887 या किसी भी गन से बहुत इजीली वन टैप हेडशॉट मार पाओगे। तो चलो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आप सभी को एक एनिमी देखने को मिला होगा। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपका एम है उस एम को इस एनिमी के लेफ्ट या राइट आप लोग रख सकते हो, ठीक है। किसी भी एनिमी को अगर आप लोग वन टैप हेडशॉट मारना चाहते हो उसके लेफ्ट या राइट आप लोग अपना एम रख सकते हो एंड उसके बाद से आपको ड्रैग करना है। अगर गाइस इस चीज को अगर आप लोग करना सीख जाओगे ना, 100% आप लोग बहुत इजीली वन टैप हेडशॉट मार पाओगे, ठीक है। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। और उसी के साथ गाइस आप में से काफी सारे बंदे ऐसे होते हैं जो क्या करता है, जो उनका एम है उसको रेड कर देते हैं एंड उसके बाद से यहाँ पे ड्रैग करते हैं। भाई वो ड्रैग नहीं हो पाएगा, वो एनिमी के बॉडी के ऊपर ही उसका एम लॉक हो जाएगा एंड उसके बाद से आप लोग जितना भी ट्राई कर लो आपका वन टैप हेडशॉट नहीं लगने वाला है, ठीक है। इस गलती को आप लोगों को नहीं करना है एंड इस चीज को आप लोगों को सुधार लेना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ऐसा आपको ट्राई करना है, 100% आप लोग बहुत इजीली वन टैप हेडशॉट मार पाओगे। लेकिन गाइस उसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, वन टैप मारने का जो हमारा जो फायर बटन है ये भी बहुत ज्यादा यहाँ पे काम आता है वन टैप हेडशॉट मारने का, ठीक है। तो चलो हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे जो आपका फायर बटन है उसका साइज वगैरह आप सभी को क्या रखना है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आप में से काफी सारे बंदे ऐसे होते हैं जो उनका फायर बटन है उस फायर बटन को काफी ज्यादा बड़ा कर देते हैं या बहुत ही ज्यादा छोटा कर देते हैं। आप लोग अपना जो फायर बटन इसको बहुत ज्यादा बड़ा कर देते हो या बहुत ज्यादा छोटा कर देते हो तो आप लोग बहुत ही बड़ा गलती करते हो, उसी के चलते आप लोग वन टैप हेडशॉट नहीं मार पाते। सबसे पहले गाइस आप लोग को फायर बटन के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले आप लोग का जो भी फायर बटन है इस फायर बटन को आप लोग को 40 से लेकर 56 तक आप लोग को अपना फायर बटन का साइज रखना, जिससे कि आप लोग गाइस बहुत इजीली यहाँ पे ड्रैग वगैरह कर पाओगे। अगर आप लोग ड्रैग वगैरह कर लोगे तो आप लोग बहुत इजीली वन टैप हेडशॉट मार पाओगे। इन्हीं कुछ टिप्स के मदद से मैं बहुत इजीली वन टैप हेडशॉट मार पाता हूँ। अगर आप लोग इस टिप्स को अगर आप लोग फॉलो करोगे तो 100% आप लोग भी बहुत इजीली वन टैप हेडशॉट मारने वाले हो। इन सारे टिप्स को आप लोग को फॉलो करना है एंड आप लोग बहुत इजीली वन टैप हेडशॉट मार पाओगे। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन दबा के ऑल को ऊपर जरूर से सेट कर लेना। एंड चलो गाइस यार, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।